प्याज की निर्यात बंदी की वजह से नवंबर के मुकाबले प्याज के थोक दाम में 2000 से 2500 रुपए रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है महाराष्ट्र की कई मंडियों में तो दाम सिर्फ 100 सौ रुपये क्विंटल यानी एक रुपये किलो रह गया है इसलिए पूरे राज्य में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे नेताओं का विरोध हो रहा है राज्य की राजनीति में प्याज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है एक्सपोर्ट बैन के दो दिन बाद 9 दिसंबर शनिवार देर रात मुंबई में राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर प्याज किसानों का मुद्दा उठाया था लेकिन 23 दिन बाद अब तक न तो केंद्र ने एक्सपोर्ट बैन का फ़ैसला वापस लिया है और न प्रभावित किसानों को राहत देने का कोई और कदम उठाया है अब राज्य के किसान फडणवीस पर चुटकी ले रहे हैं कि केंद्र के नेता उनकी बात नहीं सुन रहे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि फडणवीस और अजित पवार जैसे नेताओं की केंद्र में कोई सुनवाई नहीं हो रही है वरना प्याज किसानों का मुद्दा हल हो चुका होता प्याज की निर्यात बंदी के खिलाफ खासकर महाविकास अघाड़ी के नेता शरद पवार सांसद सुप्रिया सुले और डॉ अमोल कोल्हे सरकार पर बरस रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट बैन करने से दाम इतने कम हो गए हैं कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही इसलिए राज्य की सत्ता में बैठे नेताओं पर सवाल हो रहे हैं जो किसानों की राजनीति किया करते थे सदन के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर विरोध हुआ नागपुर में चले राज्य के शीतकालीन सत्र के दौरान तो सत्ता में बैठे नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया था केंद्र के फ़ैसले का असर राज्य सरकार पर भी पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है इसलिए एक्सपोर्ट बैन होते ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर राज्य सरकार की किलेबंदी करने की कोशिश की मुलाक़ात के बाद उन्होंने कहा था कि वाणिज्य मंत्री ने किसानों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने का वादा किया है लेकिन इस वादे को आज तेईस दिन बीत चुके हैं दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी गोयल से मिलने की बात कही लेकिन हुआ कुछ नहीं केंद्र के फ़ैसले से हताश किसान औने पौने दाम पर प्याज बेचने के लिए मज़बूर हैं एक्सपोर्ट बैन और गोयल से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने सदन में फडणवीस से प्याज को लेकर तीखे सवाल किए थे उसके जवाब में दिया गया फडणवीस का बयान भी चर्चा में है जिसमें वो केंद्र के फ़ैसले का बचाव करते नजर आ रहे हैं फडणवीस ने कहा था आमतौर पर उत्पादन अधिक होने पर प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाती है लेकिन इस बार प्याज का उत्पादन 25 से 30 प्रतिशत कम हुआ है ऐसी परिस्थिति में निर्यात को मंजूरी देने से प्याज की कमी और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद अमोल कोल्हे ने डिप्टी सीएम अजित पवार को चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो केंद्र सरकार के समक्ष प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए उसका इस्तेमाल करें उन्होंने फडणवीस को भी चुनौती दी कि वो किसानों को दो का नेफेड की ओर से घोषित रेट दिलाकर दिखाएं उन्होंने कहा कि किसानों को चूना लगाने की प्रथा बंद करनी चाहिए राज्य सरकार को किसानों की चीख पुकार पर आंख नहीं मूंदनी चाहिए अन्यथा उपभोक्ताओं को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी